टेलीविज़न कोरोगा फॉर सेशन, ये मेरा घर है। मैंने यहाँ से ज़िंदगी में जो मेरे पास आज सब कुछ है वो इस यूनियन के थ्रू है। इसके पहले डांसर्स में था मैं, वो है। तो हम लोगों ने कदम उठाया है, यहाँ के जितने कमिटी में जो अभी है, जैसे प्रेसिडेंट रिकी है, जनरल सेक्रेटरी जीत है, फिट ट्रेजरर प्रमोद है, और बहुत सारे कमिटी के जो लोग हैं, इन्होंने ये इवेंट को बहुत मेहनत की है। कम से कम 2 महीने से मेहनत चल रही है इसके पीछे, क्योंकि ये क्रिकेट लीग अगर अच्छी सक्सेस हुई, आप लोग का साथ हुआ, तो बहुत सारी हेल्प जो है वो हमारे पुराने कोरियोग्राफर्स और असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स और डांसर्स इनको होने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लीग है। मुद्दा ये, हम कोरियोग्राफर्स क्रिकेट खेलना नहीं, मुद्दा ये है कि वो कोरियोग्राफर्स असिस्टेंट कोरियोग्राफर को मदद मिले, उनको देखा जाए। कोरियोग्राफर्स यूनियन बहुत स्ट्रांग है, इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए। हम सब एक है, हमारी पावर एक है। हम सब डांस मास्टर मिल के डांसर्स को देखेंगे, असिस्टेंट्स को देखेंगे, जितने लोग हैं, मुद्दा यही है। और दीपक का थैंक्स बोलूँगा, दीपक को मैंने कहा कि दीपक प्लीज़ मॉर्निंग में 6:30-7 बजे हम लोग ओपनिंग करेंगे, तो दीपक आ गया। अभी मैंने दीपक के साथ भोला का गाना किया था, पान की दुकान, ने बहुत कमाल का एक्टिंग किया दीपक ने, फर्स्ट टाइम मिला हूँ। बहुत से लोग आ रहे हैं, श्रेयस तलपड़े आ रहा है, शर्मन जोशी आ रहे हैं, जॉनी भाई आ रहे हैं, कल सुनील शेट्टी अन्ना आ रहे हैं, रोहित शेट्टी आ रहे हैं, ये सब हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ये डांस डायरेक्टर लीग को करने के लिए। इसमें बहुत सारे ही कोरियोग्राफर्स हैं, कुछ असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स हैं, लेकिन जितने भी कैप्टन्स हैं वो सारे ही कोरियोग्राफर हैं। गणेश जी की टीम है, दिवाकर की टीम है, फिरोज की टीम है, अहमद खान की है, कांचा चीना है हमारे, जिनका टीम का नाम भी कांचा चीना है, वो एक टीम है, अहमद खान की, और अहमद खान जी की टीम है। अहमद खान जी ने भी टीम डाला है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट उनकी टीम है और वो आएंगे शायद यहाँ पर, विजिट करेंगे। अब आप लोगों से सिर्फ यही चाहते हैं कि ये अच्छा हिट हो और हमें लोगों का प्यार मिले, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबर्स का हेल्प कर सकें। मतलब एक तो मैं सारे जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, मतलब गणेश सर से लेके सब ने मुझे कोरियोग्राफ किया हुआ, तो ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ इंडस्ट्री में रह कर, सब लोग कनेक्टेड हैं। और जो कॉज है, मतलब जो गणेश आचार्य फाउंडेशन और इफ्तिखार जो कर रही हैं, सब अपने सारे लोगों को कनेक्ट करके रख रहे हैं, एक दूसरे का दुख दर्द मर्द समझ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉज है। मतलब ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ होगा, बहुत जल्दी होगा ये, तो बहुत जल्दी होगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपस में ही आप लोग कर रहे हो, तो जो एनर्जी डांसर्स और कोरियोग्राफर के पास है वो पूरी इंडस्ट्री में आग लगा देते हैं। जो कोई भी सीन है, तो ये मेरा फ़र्ज बनता है उस एनर्जी को वापस देने का, उस एनर्जी को अप्रिशिएट करने का। तो जब भी सर बुलाएंगे इस कॉज के लिए, मैं हमेशा
लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे इतनी खुशी हुई है वाकई हमारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हम जितने डांस से ताल्लुक रखते हैं, हमारे जितने असिस्टेंट है, डांस डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, ये जितने भी कोरियोग्राफर्स है वो पहले डांसर थे फिर कोरियोग्राफर हुए, है कि नहीं भाई? डांस हटा दो पिक्चर को कुत्ता भी नहीं दिखेगा। बात खत्म। डांस को बाजू में रख दो पिक्चर को कोई देख नहीं सकता। अपने जमाने में एक टाइम पे तो बाप रे बाप, लोगों को डायलॉग समझ में नहीं आता था, लोगों को कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आता था, लोगों को जोक्स, कॉमेडी के जोक्स समझ में नहीं आते थे। उस वक्त गानों ने ही पिक्चर को चलाया। एक पिक्चर में, ये पुराने जमाने में एक पिक्चर में 20-20 गाने, 25-25 गाने होते थे, पूरे गाने ही गाने होते थे, तो गानों पे ही फिल्म चलती थी। एक खास मकसद के लिए किया जा रहा है, एक अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ मेंबर्स की मदद की जाएगी, इन पैसों जो भी इससे कलेक्ट होगा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को सलूट करता हूँ। ये ऐसा काम, तो ये तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा काम होते रहना चाहिए। क्या बात है, आप सबको थैंक यू। जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। महल में रहने वालों, हमको हिकारत की नजर से मत देख। हवेली में रहने वालों, हमें हिकारत से न देख, हमें यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। असिस्टेंट कोरियोग्राफर की क्रिकेट लीग हो रही है और मैं चाहता हूँ आप आके दो शब्द इधर बोलो और इनको सपोर्ट करो। और सियास ने एक झटके में बोला, मास्टर जी मैं आ रहा हूँ, कल ही बोला मैंने, अपने शॉर्ट टाइम पे कभी कोई आता नहीं। और थैंक यू सियास, थैंक यू। और ये सब सब डांस मास्टर असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स हैं ये फ्यूचर में, और इन लोग का सबका क्रिकेट खेलने का मुद्दा एक ही है कि इन लोग खेलें, इनके फ्यूचर में इनका यूनियन का बहुत सपोर्ट हो। और जो ओल्ड कोरियोग्राफर्स हैं, असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स हैं ये क्रिकेट लीग से, तब उनको कुछ मदद मिले, उनको कुछ हेल्प मिले, ये मुद्दा है। और ये सब एक हुआ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। और ये सब कुछ कहेगा क्या बोलूं मैं मास्टर जी? मास्टर जी ने बोला चल इधर पोजिशन पे आ जाओ, मैं आगे बोला। नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो जब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी अपनी लीग हो रही है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा। एंड आना तो था ही, मतलब क्या आज सुबह बोलते तो भी मैं आ जाता, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बट इतना ही कहूँगा, आप सबको देख के, आप जो कॉज के लिए सब कर रहे हो और जो एक साथ आके कर रहे हो, मेरे ख्याल से अपनी पूरी इंडस्ट्री को, हिंदी इंडस्ट्री को ही इस चीज़ की और इस क्या बोलते हैं इस इमोशन की, इस फीलिंग की जरूरत है। सबको एक साथ आके अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बैंड बजने वाली है। तो आप हम लोग को ये इंस्पिरेशन दे रहे हो और सिखा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपके ये लीग के लिए और यूनियन के लिए और एसोसिएशन के लिए यही कहूँगा, कल भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, आप लोग झुकेगा नहीं साला। थैंक यू सुरेश। मैंने सुरेश को बताया मेरी माँ का नाम पुष्पा है, सच बता रहा। और मेरा सुबह जाते वक्त और आते वक्त दो ही शब्द होता है, मैं मराठी में आई लवल आई तो मजा उदय झुकेगा नहीं साला। मेरी माँ भी चल नहीं पाती है, थोड़ा व्हील चेयर पे, लेकिन वो झुकेगा नहीं साला, जैसे मराठी में हम लोग चाली में रहते थे ना तो वही आवाज़ के साथ बोलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
पहले अभी मतलब ऐसी है, लेकिन मतलब आई आई साला वो तो थैंक यू श्रेयस, तूने वो आवाज दी, उससे हम सबको ये सपोर्ट मिला, इधर कोई भी झुकेगा नहीं, सब लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच श्रेयस। एक फोटो उधर हो जाए, एक कमिटी वाले इधर, ये मैं इस कमिटी में नहीं हूँ, ये प्रेसिडेंट है, इन लोग के साथ एक फोटो।